आज दर्शन किया आपने, अभी सुनेंगे इसके बाद में फिर ना होगा। हाँ बांग्ला बोलो। ये कौन भाग श्री जगन्नाथ धामे श्री गंभीरा मंदिर अवस्थित जेखने श्रीमन महाप्रभु नवद्वीप लीला 24 বছর করার পরে শ্রীক্ষেত্রে আগমন করে অবশ্য মায়ের নির্দেশ ছিলেন 24 বছর। সকলে বলে অবশ্য 18 বছর বলে, কিন্তু তা না, 24 বছর। कह रहे हैं कि 18 साल बोलते हैं लेकिन यहाँ पे महाप्रभु 24 साल तक थे। अच्छा, दक्षिण भारत उत्तर भारत 6 বছর कितने थे सेटा की हिसाब से आसमें ना सत्र होकर लिए 24 বছর। जेखने काशी मिश्र गोरूप धन के पे अति गोपने जतने गोपन कुटीर से रेखे छे फले थे তার নাম গোপন কুটিরের নামই গম্ভীরা। গম্ভীরীর শব্দে সুন্দর শব্দ, কিন্তু অপভ্রংশ হয়ে গম্ভীরা হয়েছে। সেই গম্ভীরাই মহাপ্রভু 24 বছর কাটিয়ে তারপরে সকলের উপস্থিতিতে সতর্কেও তিনি যে গেছেন, গিয়ে জগন্নাথে এক হয়ে গেছেন, এটা পরে সকলে জানতে পেরেছে। যেহেতু তিনি প্রহর বেলা রবিবার দিনে জগন্নাথ লীন প্রভু হইলেন, অনেকে অনেকে কথা বলে কিন্তু বাস্তবিক এটাই বিরাট সত্য। সমসাময়িক কবিরা যা বর্ণনা করেছেন, এমনকি উৎকল দেশীয় কবিরাও ঠিক কোলারে কহিলা কোলারে কোলা মিশিলা নহিলা সে বাড়ি এমন্ত ভাবি শ্রী চৈতন্য শ্রী জগন্নাথে হলে লীন। অতএব সামঞ্জস্য থাকতে থাকতে উৎকল দেশীয় কবিদের এবং বঙ্গদেশীয় কবিদের জয় নিতাই গৌর হরিব গৌর প্রেম রসানন্দ বলবো নাকি কিছু বল বলো বলো গম্ভীরা ঠিক আছে তুমি বলো এবারটা এসো মহারাজ আছে তো কে অরণ্য সকলে আছে। ও মাই জ্ঞান শ্রীরাম ব্যস্ত জ্ঞানাঞ্জন শলাখয়া চক্ষুর্মীলিতম যেন তস্মৈ শ্রী গুরবে নমঃ। গুরবে গৌরচন্দ্রায় রাধিকায় ইষ্টদালয় কৃষ্ণায় কৃষ্ণভক্তায় तद्भक्ताय नमो नमः। आजानुलंबित भुजौ कनकावधातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्रियाद्वैतगदाधर शिवदति गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्मनितरिला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सद श्री श्री श्रीमद्भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज को चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म परिप्राज का आचार्य तिरुपति स्वामी श्री सुभद्रति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज को चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि प्रदान करता। उपस्थित तिरुपति पादक एवं वैष्णव वैष्णवियों को चरणों में यथायोग्य प्रणाम करता। हम लोग श्री लाल महाराज जी का अनुगत में श्रीधाम श्री पुरुषोत्तम मासे श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र राजा का नाम श्री पुरुषोत्तम देव
हिंदी में बताइए। और पुरुष तब दे श्री गुरुपाद पद्म भी पुरुष में उत्तम है, इसलिए महाराज जी का अनुगत में हम लोग श्रीधाम पुरुषोत्तम क्षेत्र परिक्रमा करते करते महाराज जी का अनुगत में जहाँ पर आए थे, यह स्थान का नाम गंभीरा है। अभी हम बता रहे थे अद्यापियो शैला करे गौर गाय कोनो कोनो भाग्यवान देखिवार का धाम नित्य है। इस स्थान का नाम जो गंभीरा है, गंभीरा का एक तात्पर्य जो उड़िया भाषा में गंभीरा का तात्पर्य होता है जहाँ पर घर को अंदर में जहाँ पर एक गोपनीय स्थान हो, अत्यंत निगुड़ स्थान हो, उसका नाम गंभीर कहते हैं, गंभीरा कहते हैं उड़िया भाषा में। इसलिए आप लोगों ने देखा पहले गेट में प्रवेश किया, फिर ऐसे प्रवेश किया, करते करते फिर देखा गंभीरा है। और दूसरा तात्पर्य है जहाँ पर श्रीमद चैतन्य महाप्रभु गंभीर से गंभीर बार गोपन लीला की है, इसलिए इसका नाम गंभीरा है। जब क्यों गंभीरा, क्या गोपनीय लीला की, तो जो लीला को श्री श्याम सुंदर ब्रज में आकर के उनको मन में जितनी सब इच्छाएं थी, सारी इच्छा को श्री श्याम सुंदर ब्रज लीला में उन्होंने पूरी की है। लेकिन जब वे गोलोक वृंदावन में चले गए, एक दिन श्याम सुंदर अपना वृंदावन में सिर पर हाथ रख करके कुंज में बैठे हुए बड़ा गंभीर चिंता में। क्या गंभीर चिंता, मेरे मन में जो कुछ इच्छाएं थी अभिलाषा को मैंने सख्य बात्सल्य मधुर जो लीला है वो लीला रस को मैंने आस्वादन किया है। मैं परात पर तत्व होते हुए भी जहाँ पर ब्रज गोपियों का प्रेम में जहाँ पर वशीभूत होते हुए भी मैंने नौपार अहम निरबद्ध संयुजा स्वसाद कृत विबुधाय वसाभि जहाँ पर वे स्मरगर लखंडनम मम शिरसि मंडनम देही पद बल्लभ मुदार जहाँ में प्राग पर तत्व होते हुए भी जहाँ पर ब्रज गोपियों की प्रेम को चरण में मैंने ये सिल में नतमस्तक कर दिया, वो रस का आस्वादन मैंने किए, बात्सल रस में मैंने आस्वादन किया है। मैं प्राग पर तत्व होते हुए भी माँ जशोदा का जो प्रेम जो कि सारा दुनिया में जिसका बाहर जिसका अंदर नहीं, जब मैं प्राग पर तत्व हुए भी मैया जशोदा का बंधन स्वीकार किया, उनको हाथ में मेरा कान बोला भी मैंने खाया है, मेरे कान को एज भी दी, भगवान होते हुए भी सख्य रस मैंने आस्वादन किया है, सखाओं को झूठा खाया है, सखाओं को मैंने कंधे में बैठाया, उनको मुंह में तरह तरह गाली को सुना है, मैं तो सारे रस को मैंने आस्वादन की, लेकिन एक चीज तो मेरा दिमाग ऊपर चला गया, जो चीज मैं समझ नहीं पाया वो कारण क्या है, कहते राधाया प्रणव महिमा की दिल समझना अद्भुत मधुरमा के लिए, जिसको श्रील स्वरूप दामोदर कहते हैं राधा रानी की प्रेम की महिमा क्या है, मेरे अंदर में क्या माधुर्य है, जिस माधुर्य को देख करके सारा दुनिया मोहित हो जाते हैं, स्वयं मैं भी जब अपना स्वरूप को दर्शन करता हूँ कहते अपर कलित पूर्वम कस्य मत करकारी स्फुरित मम करिया ने समाधुर्य पूर्ण, स्वयं कृष्ण अपना स्वरूप का दर्शन करके कहते अयम कहा ये कौन है, इसलिए उनका मन में इच्छा होता है कब मैं राधा रानी बन करके ये स्वरूप को मैंने आलिंगन करूं, कहते राधा रानी के प्रेम की महिमा क्या है, राधा रानी कैसे मेरे रस का आस्वादन करती है, उनका अंदर में जो बादलनाथ का महाभाव है प्रेम को होड़ लगते रखते, राधा रानी का प्रेम इतने दूर तक पहुंचता है जहाँ पर कृष्ण फेल हो जाते, कहते वो क्या चीज है, जो चीज को हुए स्वयं गोलोक वृंदावन में भी जो इच्छा को वो पूरी नहीं कर पाए, कहते वह इच्छा को वे स्वयं किसी गंभीरा में बैठ करके स्वरूप दामोदर और राय रामानंद को साथ में चंडीदास विद्यापति कवि जयदेव का जो गद्यों को जहाँ पर स्वरूप दामोदर ललिता के साथ स्वरूप दामोदर राय रामानंद यहाँ पर बैठ करके जहाँ पर रात भर जिसको चैतन्य चैतन्य में कृष्णदास कविराज गोस्वामी अंत लीला में जहाँ पर वे दिव्योन्माद चित्र जल को उनके अंदर जो उद्घुरना जो सुख चीज है कृष्ण ब्रज छोड़ करके मथुरा और द्वारका चले जाने पर राधा जी के अंदर में जो भाव उद्धव जी को दर्शन करके कैसे स्वरूप दामोदर राय रामानंद महाप्रभु के भाव को समझते हुए कैसे वो गद्य को सुनाया करते थे और रात भर महाप्रभु उसी चिंता में डूबते हुए रात भर सोते नहीं थे, रात भर यहीं पर उस लीला रस में संपूर्ण डूब जाते थे, कभी कभी महाप्रभु कभी रात भर यहाँ पर उनको चर्चा हुई
लास्ट रात में राय रामानंद चले जाते थे जगन्नाथ वल्लभ वाटिका स्वरूप दामोदर चले जाते थे जहाँ पर गोविंद यहीं पर दरवाजे के सामने सोते थे। तीन तीन जहाँ पर ताला बंद हुआ है लेकिन सवेरे महाप्रभु जगन्नाथ जी को दर्शन करने के लिए सवेरे जाते थे लेकिन देखा आज तो महाप्रभु का कोई शब्द है नहीं, ताला का ताला बंद, लेकिन महाप्रभु का दरवाजा खोल कर देखते हैं महाप्रभु है नहीं। फिर ढूंढते ढूंढते देखते हैं कभी जगन्नाथ जी के मंदिर को सामने, कभी उनको ग्रंथ ही अलग हो जाता था और कैसे महाभाव में कैसे महाप्रभु तरह तरह का कैसे भाव को प्रकट करते हुए कभी जगन्नाथ वल्लभ वाटिका में, कभी गुंडीचा मंदिर में, कभी जगन्नाथ जी के सामने में, कभी जाकर समुद्र में हुए छलांग लगा लेते थे। और राधा रानी जैसे सूर्य पूजा करने के लिए सूर्य कुंड में जाया करती थी उसी भाव में महाप्रभु छलांग लगाते हुए कोणार्क मंदिर की तरफ मन जा रहे हैं सूर्य पूजा करने के लिए, सूर्य पूजा का बहाना बना करके श्री श्याम सुंदर प्रसाद से मिलने के लिए। इसलिए महाप्रभु यहाँ पर गंभीर से गंभीर लीला दिया, इसलिए इस स्थान का नाम है गंभीर, जिसको कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में अत्यंत मार्मिक अत्यंत अत्यंत सुंदर रूप में जिसको वे विवेचना किया। इसलिए हम लोगों का परम सौभाग्य है हम लोगों का श्रील महाराज जी का अनुग्रह में हम परिक्रमा करते करते आए, लेकिन हम तो सुनते हैं महाराज का मुख में और बोलते हैं लेकिन पता नहीं कब ऐसे उनका एक छिटा फटा उनका एक बूंद कब हमको स्पर्श करेगा। महाराज जी हम लोगों को बोले कृपा करें जब जैसे यहाँ पर ले करके आए हैं गुरुपाद पद्म ही हम लोगों को वो धाम में साथ में ले जा सकते हैं। इसलिए श्रील महाराज जी को चरण में हम लोग प्रार्थना करेंगे वे हम लोगों को बड़े कृपा करें तभी ना कभी वो भाव का एक बूंद जैसे महाप्रभु जो अनर्पित चरित करो समर्पित उन्नत उज्जवल रसान समर्पित वो जो उसका जो छिटा होता तरीके के लिए आए थे केवल गुरुपाद पद्म कृपा के द्वारा ही वह वस्तु को आस्वादन कर सकते। इसलिए महाराज के चरण कमल में हम पुनः पुनः प्रार्थना करते हैं वे हमारा प्रभु कृपा करें कभी ना कभी जैसे उसका एक बूंद भी हमारे आस्वाद का विषय हो। वंशा गुरु उत्तर भय से कृपा गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय नमो नमः। हम लोग जहाँ अभी पहुँचे हैं इस स्थान का नाम गंभीरा है और गंभीरा क्यों नाम पड़ा हमारे पंडित जी यहाँ के और रसानंद ब्रह्मचारी जी ने बतलाया। मैं दो एक बातें जो विशेष कहने को वही कहूँगा और बाकी तो रसानंद जी ने सभी कह दिया है, इसके बाद में अंग्रेजी में ट्रांसलेशन होगा। ये स्थान काशी मिश्र भवन भी कहलाता है। महाराज के गुरु प्रताप रुद्र के पुरुषोत्तम जाना के प्रताप रुद्र के उसमें पुरुषोत्तम जाना नहीं थे तो उनके गुरु थे और जब कभी वो आते थे तो अपने गुरु जी का दर्शन करते थे और उनके पैरों को दबाते थे और उनकी उन पर ऊपर भी बड़ी कृपा थी। जब महाप्रभु संन्यास लेने के बाद में पुरी धाम में पहुँचे सार्वभौम को सागर्भ चूर्ण करके उन्हें परम भक्त बना दिया और फिर दक्षिण में चले गए, वहाँ से जब लौटे तो महाप्रभु के लिए स्थान कहाँ चाहिए। सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने राजा से कहा और राजा ने कहा बहुत ही अच्छा एक स्थान है, जगन्नाथ मंदिर के समीप भी है और निर्जन भी है, वहाँ से प्रतिदिन महाप्रभु आ सकते हैं जा सकते हैं। उन्होंने सब देख करके कहा ये हमारे गुरु जी का भवन
वही सबसे उपयुक्त रहेगा। इसलिए काशी मिश्र का भवन पीछे से यहीं पर राधाकांत मठ और पीछे से गंभीरा, गंभीरा का अर्थ भी बतलाया, गंभीर भावों को प्रकाश करने वाली, और जो गंभीर स्थान है वहाँ से घूम करके और गुफा, गंभीरा माने होता है गुफा हिंदी, तो ये गुफा जैसी थी, इसमें एक आदमी मुश्किल से सो सकता है, सीधा खड़ा भी नहीं हो सकता, उसमें खड़ा भी नहीं हो सकता। और इस स्थान में महाप्रभु जी 24 वर्ष में से करीब करीब अधिकांश समय यहीं पर कटाए, 18 वर्ष इधर उधर थे, गमनागमन और 24 वर्ष यहाँ थे, पंडित जी ने भी बतलाया। और यहीं से महाप्रभु जी ने गंभीर भावों का आस्वादन किया। श्रीमद् भागवत में कृष्ण के विरह में राधा जी का जो भाव देखा जाता है, चित्र जल्प और जल्प समजल्प और दिव्योन्माद और सब जो भाव हैं, किलकि चिंत इत्यादि जो भाव हैं, उज्ज्वल नीलमणि में इसका कुछ वर्णन किया गया है। किंतु उनकी कैसी दशा होती थी इसका वर्णन विशेष नहीं दिया, उसको समझो महाप्रभु में वो देखा जाए। यहाँ पर जब राय रामानंद और स्वरूप दामोदर जब चले जाते रात में कभी कभी, तो उन्हीं का चिंतन करते 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 कभी अपना नाक मुख घिसने लगते और समुद्र में चले जाते, सब दरवाजा बंद, कैसे चले जाते किसी को कोई पता नहीं, और कहते मैं बंसी सुन करके इधर आया, कृष्ण बंसी बजा रहे हैं, और मैं वहां आया और गोपियों के साथ में विहार कर रहे हैं और उसमें कूद गए, और बंकी मुहाना या चक्र तीर्थ निकट ही या यहाँ से 2-3 मील होगा, आप लोग सब जाएंगे वहां चले जाते, बहते बहते समुद्र में लहरों में डूबते उतरते, और वे कैसे जो हो जाते, सब ग्रंथियां बहुत दूर चली जाती और एक कछुआ जैसा भाव, वो समुद्र में कभी कभी ऐसा मिलता है कोई कोई मछली वैसी एकदम लजर भजर जेलीफिश ऐसी जिसमें कि ग्रंथियां इत्यादि कुछ भी नहीं रहता, कोई शेप नहीं रहता, ऐसा राधा जी का ऐसा हुआ होगा कि नहीं? जरूर हुआ होगा, क्योंकि उन्हीं के भावों को आस्वादन करने के लिए आए हैं। भाव संपूर्ण कर लेते महाप्रभु, अब मैं नहीं जानता कि संपूर्ण रूप से कृष्ण आस्वादन कर सके या नहीं राधा जी के भावों को, उनके लिए बस में बात नहीं थी, वो तो उन्होंने जो शिक्षा गुरु किया किसको, विशाखा को, और शिक्षा गुरु के मुख से जब सुना, तब मैं शाम को कल बतला रहा था, तब सिद्धांत रूपी रत्नम आलय को प्राप्त हुए, अतः सिद्धांतों को समझे तो पूरी तरह से समझे होंगे कि नहीं, मैं तो नहीं कर सकता राधा जी के भाव, किंतु चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन भावों को दिखलाया है। कभी कभी यहीं से सबको पार करते हुए सामने बैठे सोए हैं स्वरूप दामोदर राय, नहीं नहीं गोविंद प्रभु, गोविंद प्रभु और शंकर पंडित उपाधान के रूप में, उपाधान के रूप में मैंने तकिया के रूप में, वो पैर के टाई के तकिया और भी काशीश्वर पंडित, ये सब लोग गोपाल गुरु तो थे ही, सब लोग रक्षा कर रहे हैं चारों तरफ से,
और कल में कैसे कब सबको पार करके चले गए जगन्नाथ वाटिका और वहां पर रासलीला इत्यादि देखने लगे, उसमें भाव विभोर होकर के गिर गए। और ये लोग खोजते 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 बड़ी मुश्किल से तब जाकर के जगन्नाथ पाया। कभी कभी भावाविष्ट ऐसे हो जाते, यहां से निकल जाते और जगन्नाथ की जहां पर गैया प्रसादी खाती हैं चावल, उसी के पास में गिरे हुए हैं, अचेत होकर के गिरे हैं। गैया उनको सूंघ रही है चारों तरफ से। ये सब भावों का वर्णन श्रीमद् भागवत में या उज्ज्वल लीला में राधिका जी के संबंध में नहीं लिखा, किंतु ये सबको भी समझना ये ऐसे राधा जी के भाव वो होते हैं। और वहां पर ललिता और विशाखा रूपमंजरी ये सब उनके भावों को देखती थी और उनको धैर्य बंधाती थी। उस समय जो भ्रमर गीत है उच्च कोटि का, उसमें दिव्योन्माद है उनका। और ध्यायन्ति अंग संगमम, ध्यान कर रहे हैं क्या, बिना ये रमणी के तो रहेगा नहीं, तो ये मथुरा वाली नई रमणियां हैं उनके साथ में ये रमण कर रहा होगा। और क्रोध क्रोधित हो गई और मधुब को कहा जी जाओ जाओ, है ना, ये हरी 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 जाही हरी हरी जाही माधव जाही माँ बद कैतव मा, ये सब जो आस्वादन किया महाप्रभु जी, इन सब भावों को आस्वादन किया, इन सब भावों को हम लोग बैठ करके इन सब बातों को वहीं पर हम लोग बोलेंगे। अभी बहुत से लोग आए हैं जो दर्शन नहीं किए हैं और बहुत से लोग बाहर के भी आकर के दर्शन करेंगे, उनका पथ बंद हो गया है, इसलिए हम लोग अधिक समय नहीं लेंगे, थोड़ा सा अंग्रेजी में आरण्य महाराज अनुवाद कर देगा। So, this place is called Kashi Mishra Bhavan, the house of Kashi Mishra Prabhu. Kashi Mishra Prabhu was the spiritual master of Maharaj Prataparudra, and he used to come to this place to have the darshan of his Gurudev, massage the lotus feet of his Gurudev. And Kashi Mishra was very, very merciful to Prataparudra Maharaj. When Sri Chaitanya Mahaprabhu accepted sannyas and then came from Navadvip to Puri, at first he stayed in the house of Sarvabhauma Bhattacharya for a short time, then he went for a tour of South India. So when Sri Chaitanya Mahaprabhu came back, Sarvabhauma Bhattacharya told King Prataparudra Maharaj, Sri Chaitanya Mahaprabhu needs a very good place, which is at once close to the Jagannath temple and at the same time very secluded, a secret place where he can do bhajan. So Prataparudra Maharaj said, oh, my Gurudev's place is most suitable. And therefore the arrangement was made that when Sri Chaitanya Mahaprabhu came back from his tour of South India, then he stayed here in Kashi Mishra Bhavan. So many devotees have taken darshan of this small room that is called Gambira. Srila Gurudev explained Gambira means gufa, one very secret small cave. It's so small, it's not easy to stand up or even lie down to rest in there. But Sri Chaitanya Mahaprabhu, he spent 18 years in this place, Sri Gambira. 24 years. Not 24 years, he was 6 years touring in South India. So,
Sri Chaitanya Mahaprabhu, in Gambhira, there he tasted the Gambhir Bhav. Gambhir means very secret and confidential. So in Gambhira, he tasted Gambhir Bhav of Srimati Radhika. Srimati Radhika's Mahabhav has many Anubhavs. Rudha, Adhirudha, Modan, Mohan, Madan, Chitrajalpa, Divyonmad. So all of these moods, they have not been clearly described in Shastra. But Sri Chaitanya Mahaprabhu, he personally relished them and demonstrated them in his own behavior. Sometimes Sri Chaitanya Mahaprabhu was in Gambhira, and inside, Shankar Pandits would stay inside to protect him, because due to his mood, sometimes he would rub his face against the walls. Govinda would be outside, and other devotees, they would be there to protect Chaitanya Mahaprabhu. All the doors, there were three doors, entrances, they were locked. But somehow or other, Chaitanya Mahaprabhu would disappear, and all the devotees would be very concerned, and they would search for him everywhere. Searching for him here and there, sometimes they would find him unconscious in Jagannath Vatika, the garden of Jagannath Dev. Sometimes Mahaprabhu would fall into the ocean, and he would float for hours and hours, all day and night in the ocean, until he was caught in the net of a fisherman near Chakratirtha. Sometimes his body would become like a tortoise, with all the limbs absorbed inside. And sometimes all his joints would become loose and his body would become very long. When the devotees would find Mahaprabhu, they would do kirtan and he would come back into sense. He would say, "Oh, I heard the sound of Krishna's flute. And hearing this sound, I ran to meet with him. And there I saw Radha and Krishna and gopis singing, dancing and performing pastimes together." So Krishna, he was very eager to understand the moods of Srimati Radhika. As Swarup Damodar Goswami revealed, Sri Radhaya Pranaya Mahima Kiddishovaneva. Krishna wanted to know how deep is the prema of Srimati Radhika. What sweetness does she taste in myself? And when she tastes my sweetness, what happiness does she feel? Krishna was very eager to know all of these things. But without taking shelter of Shiksha Guru, then it was not possible. So he stayed here in Gambhira and in the company of Lalita and Vishakha, in the form of Roy Ramananda and Swarup Damodar, he took Shiksha in the moods of Radhika from them, and he fulfilled his desires to understand the Mahabhava of Srimati Radhika. So in this place, Sri Gambhira, Sri Chaitanya Mahaprabhu, he used to relish the writings of Vidyapati, Chandidas, Bilva Mangal Thakur's Krishna Karnamritam, Sri Jayadev Goswami's Gita Govinda, the verses of Sri Roy Ramananda's Jagannath Vallabh Natakam, and the verses of Sri Srimad Bhagavatam, such as Brahmar Gita. Srila Gurudev gave example how Radhika, being fainted and unconscious in Vrindavan when Krishna left and went to Mathura, at that time, Jayati Priya Sangama, she was meditating, "Oh, I know Krishna, he cannot be even one moment without the association of some lover. So now he's in Mathura and he must be meeting with someone else." Then when she came into sense, she saw a bumblebee and began to chastise the bumblebee. Madhupakita Vabandham Maspishangram Sapatnya. "I know that you are a messenger of that cheetah, Krishna. So don't try to touch my feet. Get out from here. Go and pacify his new beloved. I don't have any relationship with him anymore." Here Sri Chaitanya Mahaprabhu would relish the verses of Gita Govinda. Jahi Madhava Jahi Keshava Mahabhada Kaitapa Badam. How Krishna, Radhika, would go into man and accuse Krishna of meeting with others, and due to the powerful influence of Prem, send him away, even though she was very eager to meet with him. So we're very fortunate to come to this place, Sri Kashi Mishra Bhavan, where the Supreme Personality of Godhead, Sri Krishna, himself relished the internal moods of Srimati Radhika, very privately and very secretly in this room, Sri Gambhira.
श्री काशी मिश्र भगवान की जय। Yeah.
side of the pillar. Hey, Radha Rama. I think maybe get him coming in. Yeah.